हौसलों में उड़ान है उनके लिए सारा आसमान है। नमस्कार, अमर उजाला की इस खास पेशकश में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशुल और आज हमारे साथ बने हुए हैं एक खास मेहमान। नाम शार्दुल विहान, उम्र महज 15 साल। उम्र कम है लेकिन कारनामा बहुत बड़ा किया है। हाल ही में संपन्न हुए एशियन गेम्स में शार्दुल ने न सिर्फ सिल्वर पर निशाना लगाया बल्कि ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। उन्हीं से जानेंगे उनके संघर्ष की कहानी। शार्दुल, पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने इंटरनेशनल लेवल पर न सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट किया बल्कि सिल्वर मेडल जीता है। थैंक यू सो मच। आपकी उम्र कम है, बहुत बड़ा आपने काम कर दिया। उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था? भैया, जैसे कि मुझे पता नहीं था कि मेरा स्कोर क्या चल रहा है फाइनल में लास्ट टाइम में, पर मुझे लगा कि स्कोर टाई है। लेकिन जब मुझे पता चलता है कि मैं एक बर्ड से पीछे हूँ, तो मतलब हल्का सा डिसअपॉइंट तो था, लेकिन फिर सिल्वर भी था तो कोई बड़ी बात नहीं थी। मतलब ये अच्छा है, मतलब कि 15 साल की उम्र में सिल्वर। नहीं शार्दुल, आपकी ये संघर्ष की कहानी है और अब न सिर्फ आपने स्ट्रगल किया बल्कि आप बहुत सारे लोगों के लिए अब एक रोल मॉडल बन चुके हैं। रोज लगभग 200 किलोमीटर का आपको सफर तय करना होता था। मेरठ से आप दिल्ली जाते थे, दिल्ली से वापस मेरठ आना होता था। किस तरह से चीज़ें सारी मैनेज हो पाती थी? हाँ जी, बिल्कुल मैनेज हो पाती थी। जैसे कि जब तक मेरे नेशनल्स नहीं होते थे, मैं अप्रैल से स्टार्ट हो जाता था, अक्टूबर नवंबर तक मेरी सिर्फ शूटिंग चलती थी। तो वीक में 5 या 6 बार तो रोज दिल्ली जाना, 200 किलोमीटर ट्रैवल करना। जो मेरे चाचू हैं और अंकल हैं जो मुझे रोज़ दिल्ली लेके जाते थे, और जो मेरे कोच हैं मिस्टर अनवर सुल्तान, वो मुझे रोज ट्रेन करते थे। जब ये नेशनल्स ख़त्म हो जाते थे तो उसके बाद मेरी स्टडी स्टार्ट होती थी 3-4 महीने के लिए, जिससे मैं एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करता था। काच में शायद हाथ फंस गया था, ऐसा भी कुछ? हाँ, ये तो जब मैं पहली बार स्टेट खेलने जा रहा था तब ये हुआ था कि मैं पानी पीने गाड़ी रोक के बाहर उतरा और मेरी उंगली कट गई थी। चाचू ने बोला कि अब नहीं चलाएंगे, और मैं कहा नहीं चाचू, अब चलानी है, इतने दिन हो गए प्रैक्टिस करते हुए। तो ये तब की बात है, 2013 के आसपास की। लेकिन आप तो क्रिकेटर बनना चाहते थे? हाँ जी, पहले क्योंकि सब बच्चों को शौक रहता है कि मुझे भी सचिन बनना है, तो मुझे भी था, लेकिन उसमें कुछ था नहीं। शार्दुल, शुरुआत में जब क्रिकेट नहीं हो पाया तो शायद बैडमिंटन खेलने लगे थे? हाँ जी। जैसे मैंने कहा कि डैडी क्रिकेट अच्छा नहीं लगता मुझे, मेरी बैटिंग भी नहीं आती, ना कोई देता है और मज़ा भी नहीं आता। तो डैडी ने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा कि बैडमिंटन खेलना। एक दिन मैं कोचिंग के लिए 2-3 मिनट लेट हो गया, तो कोच ने कहा कि तुम नहीं खेलोगे। तो डैडी ने बात करी उनसे, वो कहते हैं कि देखो खिला लो, पर आपका बच्चा बैडमिंटन के लिए नहीं बना। मैं कहा क्या पता सही कह रहे हो। तो डैडी ने कहा कि शूटिंग स्टार्ट कर दो। तो धीरे धीरे मेरा भी इंटरेस्ट डेवलप होने लगा और एक हॉबी से प्रोफेशन बन गया। फिर 9 साल की उम्र में शार्दुल ने शूटिंग शुरू करी थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ जी। कौन था बताने वाला, कैसे यहाँ तक आगे बढ़े? वह पहले तो जो मैं एक 1.5 साल वो ली है, जो MDRA में मेरठ में वेदपाल सिंह है, उनसे मैंने कोचिंग ली थी। लेकिन फिर आया उसके लिए, फिर मैंने दिल्ली से कोचिंग लेनी स्टार्ट करी, जो मिस्टर अनवर सुल्तान है, वो अर्जुन अवॉर्डी भी हैं, ओलंपियन हैं अर्जुन अवॉर्डी हैं, और उनके एशियन गेम में भी मेडल हैं। तो उनसे फिर मैंने कोचिंग स्टार्ट करी और वो मुझे अब भी ट्रेन कर रहे हैं। शार्दुल, जब पता चला कि सिल्वर मेडल आ गया, हाँ जी, कैसी फीलिंग थी जब पोडियम में आप चढ़े, सिल्वर मेडल आपके गले में गया? घबराहट हो रही थी, गर्व महसूस हो रहा था, कुछ तो एक ऐसा अंदर से फीलिंग आ रही होगी। घबराहट तो नहीं हो रही थी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था कि ये मेडल मेरा नहीं सिर्फ पूरे इंडिया का भी है। लक्ष्य रॉन, सौरभ चौधरी, अनिश भानवाला, ऐसी अब तमाम एक नई पौध निकल रही है शूटिंग की, जो शायद हमें अब एक उम्मीद जगा पाएगी कि ओलंपिक में मेडल पक्का है। शार्दुल, अगला लक्ष्य क्या है? भैया, अगला जो टारगेट है वो पहले तो एशियन चैंपियनशिप आ रही है, जो कि कुवैत में है, और जैसे कि अब मेरा ओलंपिक इवेंट नहीं रहा, डबल ट्रैप शायद से ही आ सकता है, लेकिन मुझे इस वाले नेशनल्स के लिए ट्रैप के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। शूटिंग बेहद महंगा खेल माना जाता है, शार्दुल से पूछेंगे कि आखिर किस तरह से उन्होंने इसके लिए खुद को प्रिपेयर किया और गवर्नमेंट की तरफ से क्या सहायता मिली। भैया, जैसे कि मेरा एशियन गेम्स में सिलेक्शन हो गया था, तो मुझे टॉप्स के अंडर वो लिया गया, जिससे मैं 1.5 महीना बाहर भी ट्रेन करा इटली,
तो उससे बहुत हेल्प हुई और मैंने एक दो कॉम्पिटिशन भी चलाए इटली में। ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा इस बार एशियन गेम्स में भारतीय टीम का। न सिर्फ भारत सरकार बल्कि राज्य सरकारों ने भी इनामों की बौछार करी। शार्दुल मेरठ से आते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कुछ इनाम राशि की घोषणा करी। मेरा भी सिल्वर मेडल है हरियाणा वालों, जैसे सौरभ का भी गोल्ड है उसे 50 लाख रुपए मिले, हरियाणा वाले को शायद 3 करोड़ रुपए मिले। तो एक ही डिसअपॉइंट तो होता है कि मैंने भी वो मेडल जीता। यूनिफॉर्मिटी की एकरूपता आनी चाहिए ताकि खिलाड़ियों के बीच इस तरह का ये ना हो, डिमोटिवेट ना हो। देश के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर खुद उस गेम से आते हैं जिस गेम में शार्दुल ने सिल्वर मेडल जीता। हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जहाँ एक टाइम पे वो खड़े थे आज मैं भी खड़ा हूँ। लेकिन जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो हमें सपोर्ट भी बहुत करते हैं, जैसे उन्होंने जो स्टार्ट कर रहा है खेलो इंडिया, तो वो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और जिससे इंडिया के मतलब जो छुपा हुआ टैलेंट है वो बाहर आ रहा है। और जैसे कि टॉप्स में पहले 50,000 पर मंथ नहीं मिलते थे, जो कि उनके उससे स्टार्ट हुआ है। कभी उनकी कोई बारीकी ऐसी जो तुम्हें पसंद आई हो और चाहो कि हाँ ये चीज़ खेल में मैं अपने लेकर आना चाहूँगा? जैसे कि वो बहुत फिट रहते हैं चाहे कितने की भी वो एज के हों, लेकिन आज भी वो उतने ही फिट हैं। तो ये थे हमारे साथ में शार्दुल विहान, जिनका साफ तौर पर ये मानना है कि अभी तो ये शुरुआत है, एशियन गेम्स के बाद में अब वो ओलंपिक में भी मेडल लेकर आना चाहेंगे।